बीस दिन लगातार बच रहा है तो आप अपने गांव की मछली में लगा सकते हैं, आपके गांव में अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है तो उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में अल्लाह कर के साथ परमात्मा की जिस तरीके से जिंदा को तकलीफ होती है वैसे ही मुर्दा को भी तकलीफ होती है। आप खबर पर पैर रखेंगे मुर्दे को तकलीफ होगी, लिहाजा अगर हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है तो आप देखेंगे उसमें जानवर भी आ रहे हैं, आदमी भी आ रहे हैं, और हमारे जो हमारे अजीज हमारे माँ बाप भाई बहन जो है वो दुनिया से गए उनकी खबरों पर कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सब तो उनको तकलीफ होती है, नहीं तकलीफ नहीं होती उनको तकलीफ होती है। इसलिए आप ये समझिए कि हमारे बाप का वो एक घर है, हमारी माँ का वो घर है, हमारे रिश्तेदारों का वो घर है, लिहाजा उसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर एक चीज और रहती है, लोग कहते हैं यार हम पूरे गांव में हमने खाया और खिलाने की बारी आई तो मछली निकाल ली, वाले कहता है यार खिलाने के टाइम बहुत मछली निकालते हो, खाने के टाइम नहीं निकाल, कोशिश कर रहे हैं कि खुद से पहले खाना चाहिए, गंदी थाला आज तक कहीं भी मैंने कभी 40 साल नहीं खाया कहीं भी। ये हमारे बहुत से साथी रखे होंगे, बहुत से तालिबे हैं, लेकिन बाकी आपकी चाहे 40 साल की हो चाहे 30 साल बाद आपकी खाते हो मैं नहीं खाता और मैं ठीक है। कोशिश ये करें कि आप खुद खाना छोड़ें, आज की आपको छूट रहा है आपको पसंद रहा तो खुद खाना छोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं खाएंगे, अपने क्या होगा बाहर गए बाहर पानी छोड़ने का भी प्रकार है वो एक ऑप्शन है लेकिन अपनी जगह तो 20,000 रुपये बचा उसकी ऊपर क्या है कि 20,000 रुपये का हमने बचा लिया तो हम ये सोचते हैं कि पैसा तो रख लें रखिए बात उसका अरे यार कहिए भाई पे खड़े होते हैं कि हम 25,000 रुपया जो हमने कम किया है खाने में अगर आप लोग चाहें तो हम इसका खाना कर दे और अगर आप लोग चाहे तो मस्जिद के लिए दे दे और अगर आप लोग चाहे तो दीवार बाउंड्री वगैरह की बनवाने के लिए हम दे दे तो गांव वाले पैसा नहीं कि कोई एक दिन एक दिन के खाने के लिए आपके लिए इतना ज्यादा करेगा उसमें सबका भला दिखाई देगा मस्जिद में अनुसार की दीवार में या किसी और चीज में इस तरीके की जो भी हो तो उसमें जो फायदा देखिए गाँव वाले कहेंगे हाँ होता ये कि हम जब मसला हमें जाता है तो करते हैं कि पर पूरा साफ कर देते हैं फिर पूरा फिर ना हम सही से बातें ही करते और ना फिर मस्जिद को देते हैं फिर मस्जिद में जाते हैं 5,000 ले लो 5,000 में फलाना काम हो जाएगा पर अगर आप खत्म करते हैं तो फिर पूरा जाएगा इसलिए उसका थोड़ा सा नजर रखने के बाद 50,000 खर्च कर रहे हैं तो आपने 25,000 यहाँ खर्च किया 25,000 मस्जिद या रस्ते में किसी जगह भी इस तरीके से आप खर्च करें। एक बार उसका और हो सकता है उलमाए किराम जैसे किताबें लिखते हैं ये सारी छोटी छोटी चीजें ये सब आपको उलमाए किराम हिंदी में लेकर के किताब छपवा करके देंगे अगर आप वो पैसा उलमाए किराम को दे दें इससे आपको भी फायदा होगा और आपके सदस्य दूसरे मुसलमानों को भी फायदा होगा है ना।